हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको पता चल ही गया होगा ये क्या चीज़ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये एक नर्लिंग टूल है जो आज हम हमारे प्रोजेक्ट में क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इस तरह से मल्टीपल सारे पार्ट हमने असेंबल किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सारे पार्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। इसमें देखिए, फ्लैट पैटर्न वाले भी नर्लिंग टूल है और इसमें डायमंड पैटर्न वाले भी नर्लिंग टूल लगे हुए हैं। ये सारे यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं। जो हमें सेट करना होता है मशीन पे ओवर साइज क्रिएट करने के लिए, कोई भी साइज को इंक्रीज करने के लिए नर्लिंग टूल का इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले इसका होल्डर क्रिएट करेंगे। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, और एक सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने ये सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं 159। इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है 24 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस टूल अप्लाई करना है। इसका ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन और इसकी विड्थ रहेगी 38 mm। टॉप फेस सिलेक्ट करके स्केच, यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल हमें क्रिएट करना है। फर्स्ट इसकी लेंथ रहेगी 95 mm। एक और सेंट कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, मेक रिलेशन इक्वल। दोनों के बीच का गैप 24 mm। इसका इन दोनों के बीच की जो गैप है उसकी साइड 24 mm है। सिलेक्ट दिस लाइन एंड सिलेक्ट दिस लाइन, मेक रिलेशन इक्वल। तो देखिए, हमारा ड्रॉ फुली स्केच हो गया है। ओके, हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके भी डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं 44 mm। 44 mm इसकी लेंथ रहेगी एंड 19 mm हाइट। सेंटर लाइन क्रिएट कर देना है, एक लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इन तीन लाइनों को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है सिमेट्रिक। तो ये इसके जस्ट सेंटर में आ जाएगा। अब फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल एंड ओके। चैम्फर सेवन सेवन बाय 45 डिग्री। दोनों कॉर्नर पे चैम्फर अप्लाई करनी है और ओके कर देना है।
फिलेट सिमेट्रिक फिलेट 6 mm, अप्लाई ऑन 4 corner. ओके, फिर से फिलेट में जाना है और यहाँ पे इस बार सिमेट्रिक फिलेट 3 mm इनसाइड एंड ओके. फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे. इसका डायमेंशन रहेगा 10 mm. फ्रॉम दिस लाइन टू दिस होल डिस्टेंस 12 mm. सिलेक्ट दिस ओरिजिन पॉइंट एंड सिलेक्ट दिस सर्कल पॉइंट. मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल. ओके, देखिए ये फुल स्केच हो गया है. अब इसको फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड कट थ्रू होल. तो ये होल थ्रू हो जाएगा. सिलेक्ट दिस फेस एंड नॉर्मल नॉर्मल व्यू अप्लाई करना है यहाँ पे और होल विजार्ड में जाना है. होल विजार्ड में जाके यहाँ पे टैप्ड होल है, स्ट्रेट टैप, इसको सिलेक्ट करना है. अनसीमेट्रिक सिलेक्ट टैप्ड होल और यहाँ पे साइज हमें लेनी है 5 by 0.8 और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट पोजीशन इसका डायमेंशन रहेगा फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू दिस होल 55 mm. सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस ओरिजिन पॉइंट, मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल और ओके कर देना है. तो देखिए यहाँ पे एक हमारा टैप्ड होल क्रिएट हो चुका है. इसमें कॉस्मेटिक थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं. इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है. सेटिंग में जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, इसमें जाके डिटेलिंग में जाना है और यहाँ पे देखिए शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड शो हो रहा है. इसे चेक कर दीजिए, अभी अनचेक है, और ओके कर दीजिए. तो देखिए इस तरह से ये थ्रेड यहाँ पे शो हो जाएंगे. इसका अपीयरेंस हम अप्लाई कर देते हैं. अपीयरेंस में जाना है, मेटल स्टील स्टील में जाके सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील, इसका कलर अप्लाई करेंगे. अब हमें यहाँ पे एक रैप फीचर अप्लाई करना है, मीन्स इस टूल की ब्रांडिंग देनी है यहाँ पे. तो इसके लिए एक लाइन क्रिएट करेंगे. ओरिजिन पॉइंट से इसकी हाइट रहेगी 3.5 mm. फिर यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में जाके इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है अपनी ब्रांडिंग, जिस कंपनी का ये टूल है. तो ये है विडिया,
विडिया टूल्स, इसको सेंटर में ले लेते हैं और फॉन्ट की साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं हम। मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ। और बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे रैप फीचर। रैप फीचर में हमें डिबोज में जाना है, यहाँ एम्बोज डिबोज और थर्ड वाला ऑप्शन है मैस सॉरी स्क्राइब। तो इन तीनों में से हमें डिबोज को सिलेक्ट करना है। स्केच ऑलरेडी सिलेक्ट है, फेस कौन सी लेनी है, फेस हमें इस पर फेस अप्लाई करना है एंड 0.1 mm। तो देखिए इस तरह से ये अप्लाई हो गया है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा पहला पार्ट क्रिएट हो चुका है। तो सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले राइट प्लेन, फिर एक सेंटर सर्कल, एक और सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमीटर रहेगा 52 mm और इसका डायमीटर रहेगा 10 mm। यहाँ पे सेंटर लाइन हम क्रिएट करेंगे 60 डिग्री में। एक यहाँ पे सर्कल और क्रिएट करेंगे, इसका डायमीटर रहेगा 42 mm। फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस फिर से यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक लेफ्ट क्लिक एंड मेक रिलेशन सिमेट्रिक। होल का डायमीटर रहेगा 5 mm। सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल, मेक रिलेशन इक्वल। इन दोनों होल के बीच की गैप रहेगी 21 mm। फिर से एक सेंटर सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है। इसका डायमीटर रहेगा 10 mm। सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न, सेंटर पॉइंट, सिलेक्ट दिस होल नंबर ऑफ 3। एंड ऑल्सो सिलेक्ट दिस 2 होल। एक्टिवेट करेंगे ट्रिम एंटिटी एंड होल्ड लेफ्ट क्लिक एंड जस्ट ड्रैग इट, तो ये ट्रिम हो जाएगा। अनवांटेड लाइन हमें डिलीट कर देनी है यहाँ से, तो ट्रिम एंटिटी की मदद से यहाँ पे सारी लाइनें डिलीट कर दी है, पावर ट्रिम और ओके।
फिलेट में जाना है, 5 mm फिलेट, सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस, ये सारे कोने हमें, इन सारे जो कॉर्नर है यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर देनी है और ओके कर देना है। अब हमें फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड बॉस बेस, फोर पॉइंट सेवन इसकी विड्थ रहेगी, मिड प्लेन एंड ओके। इसका मटेरियल अप्लाई कर देते हैं स्टील, ब्रश स्टील, सेव कर देते हैं इसे डेस्कटॉप। ये हमारा पार्ट टू है, प्लेट। हमने फर्स्ट वाला पार्ट होल्डर क्रिएट किया था, ये सेकंड वाला पार्ट है हमारा। एडिट, और यहाँ पे एक सेंटर सर्कल क्रिएट करेंगे। एक और सेंटर सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनके डायमेंशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये है 18.5 mm, और ये है 5 mm। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। सिलेक्ट मिड प्लेन एंड थिकनेस इसकी अप्लाई करेंगे 9.5 mm और ओके कर देना है। चैम्फर लगा देंगे हम, इसमें चैम्फर अप्लाई करनी है 0.2 mm इनसाइड, ऊपर की साइड में हमें अभी चैम्फर अप्लाई नहीं करनी है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन, एक सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। फिर एक टेपर डिग्री में एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है, सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और होल्ड कंट्रोल की मदद से यहाँ पे मिड प्लेन कर देना है ताकि ये सेंटर में आ जाए हमारी लाइन। यहाँ पे डिग्री अप्लाई करेंगे, इसका एंगल रहेगा 30 degrees। और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें कर्व वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस ड्रॉप डाउन में यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट कर्व सिलेक्ट करना है और स्केच ऑन फेस। तो ये हमारा स्केच है, और फेस कौन सी लेनी है, आउटर वाली। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्केच अप्लाई हो चुका है। इस फेस को सिलेक्ट करना है एडिट, और यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट करना है, इसकी साइज अप्लाई करेंगे 1.5 mm और ओके कर देना है। सिंपली इसके प्लस वाले पॉइंट सेंटर पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है
एंड देन ये प्रोजेक्ट कर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट करना है और पियर्स कर देना है और इसे एग्जिट कर देना है, फीचर में जाना है और स्विफ्ट कट। स्विफ्ट कट में हमारी प्रोफाइल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है और यहाँ पे पाथ जो है ये कर्व इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब सर्कुलर पैटर्न की मदद से इसके सारे कट अप्लाई कर देते हैं हम। फेस सिलेक्ट करनी है आउटर वाली और फीचर कौन सा है तो ये स्विफ्ट कट हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न कितनी रखनी है, 55 नंबर ऑफ पैटर्न और ओके कर देना है। कैलकुलेट होने में थोड़ा प्रोसेस ले रहा है ये। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमारा डायमंड पैटर्न वाला टूल नर्लिंग टूल क्रिएट हो चुका है। इसको इसका मटेरियल अप्लाई कर देते हैं हम। तो अपीयरेंस में जाना है और मेटल में जाना है, फिर स्टील में जाना है और आपको सिलेक्ट करना है कार्बन स्टील। सिंपली इसे सेव कर देना है, हमारे नर्लिंग वाले फोल्डर में इसको सेव करना है। डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसमें जाना है। ये है हमारा पार्ट थ्री। ओके, इसे पार्ट थ्री हम इसका नाम पार्ट थ्री के नाम से हम अप्लाई कर देते हैं और इसे सिंपली सेव कर देते हैं। तो हम अब इसका फोर्थ पार्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम पार्ट थ्री को ही इसमें एडिट करके इसका फोर्थ पार्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ कर्व वाले ऑप्शन में जो हमने प्रोजेक्ट कर्व क्रिएट किया था उसके जस्ट नीचे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे स्केच दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है और एडिट स्केच करना है। तो यहाँ पे जो हमने एंगल इसका अप्लाई किया था इसको डिलीट कर दीजिए और इस लाइन को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और इसका जो टेंजेंट पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए इसको और फिर से इसको एंगल इसका अप्लाई करना है 30 डिग्री और ओके कर देना है। तो जो हमने डायमंड पैटर्न हम यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न जो भी क्रिएट की थी उसका एंगल चेंज हो जाएगा, ये अलग से टूल हमारा क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में हो गया। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट सेव नहीं करना है, इसके जस्ट साइड में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है इसमें जाना है और सेव एज करना है। सेव एज करके सिंपल इसको पार्ट फोर कर देना है और सेव कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट फोर भी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसका पार्ट फाइव क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके जारे जो भी नर्लिंग टूल है उसके डायमीटर और इनसाइड होल सेम ही है, तो इसके लिए हम इसी टूल को एडिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सर्कुलर पैटर्न को डिलीट कर देना है और फिर ये जो कट स्वीप है इसको इसके ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है और नीचे ये स्केच है इसको एडिट स्केच करना है। एडिट स्केच में ये इसकी साइज रखनी है 0.6 mm। तो इस तरह से इसका
जो डायमंड पैटर्न है वो स्मॉल साइज में क्रिएट होगा, वो बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है, क्योंकि इसके डायमंड की पैटर्न छोटी साइज में रहेगी। और ओके कर दीजिए। इस तरह से देखिए इसका कट छोटी साइज में लग चुका है। अब वापस से क्या करेंगे, सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करेंगे। और इसका एक्सिस क्या होगा, इसका डायमीटर हम सिलेक्ट करेंगे। फीचर स्वीप कट, इस बार हम इसके नंबर ऑफ पैटर्न इंक्रीज करने वाले हैं। उसमें 55 थे, इसमें रहेंगे 130 नंबर। और ओके करना है। थोड़ा कैलकुलेशन में ये प्रोसेस ले रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये फिफ्थ वाला, जो हमने दो टूल पहले क्रिएट कर चुके हैं हम, और ये तीसरा वाला है छोटी साइज में, तो इसको भी क्या करेंगे हम, सेव एज करना है। सेव एज करके इसको, इसका नाम रखेंगे पार्ट 5, और इसको सेव कर देना है। तो अब हम यहाँ पे पार्ट 6 क्रिएट करने वाले हैं। जो पिछले पार्ट में हमने जो प्रोसेस की थी एडिट करके, इसका डायरेक्शन चेंज किया था, उसी तरह से इसमें भी हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, कर्व वाले ऑप्शन में जाना है और ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करना है और एडिट स्केच करना है। फिर से वही एंगल इसका डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इसको लाइन को सिंपली ऐसे इस तरह से क्रॉस कर देना है। और इसका एंगल यहाँ पे 30 डिग्री अप्लाई कर देना है। फिर से यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न हमारे ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा, ये इस टूल के जो भी पैटर्न थी वो लेफ्ट साइड में शो हो रही है। देखिए उस टाइम में यहाँ, इससे पहले जो हमने क्रिएट किया था वो राइट साइड में था और ये लेफ्ट साइड में है। तो इसको भी हम सेव एज कर देते हैं और इस पार्ट का नाम रखते हैं पार्ट 6। ये 6th वाला हमारा पार्ट क्रिएट हो चुका है। और सिंपली इसे सेव कर देना है। तो अब हम पार्ट 7 यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फिर से इसी टूल को या इसी पार्ट को एडिट करना है। तो सिंपली बॉस एक्सट्रूड और चैम्फर, इन दो फीचर को छोड़ के कर्व, कट स्वीप और सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देना है। जो स्केच है उसको भी डिलीट कर देना है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट टूल बनाने वाले हैं। फेस सिलेक्ट करना है और एडिट। इस तरह से एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, इसकी साइज रहेगी 1 mm।
सिंपली इसे इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद वर्टिकल फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल एंड ओके। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करने हैं, तो सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर पैटर्न, फेस डायमीटर सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पैटर्न 82, फीचर शेप कट एंड ओके। तो ये हमारा नलिंग टूल स्ट्रेट वाला क्रिएट हो चुका है। सेव एज। पार्ट 7 एंड सेव। तो अब हम यहाँ पे 8 नंबर ऑफ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे, इसका डायमेंशन रहेगा 10 mm, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है, मिड प्लेन इसकी लेंथ रहेगी 38 mm, ये हमारी मेन पिन रहेगी सेंटर में जो फिट होगी, इसका भी अपीयरेंस हम अप्लाई कर देते हैं। स्टील में जाना है और कार्बन स्टील सेव कर देना है। नंबर ऑफ पार्ट्स 8। अब क्रिएट करेंगे पार्ट नंबर 9, फिर से राइट प्लेन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे सर्कल, इसका डायमेंशन रहेगा 5 mm, ओके, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, मिड प्लेन और इसकी लेंथ रहेगी 19 mm, इसका भी अपीयरेंस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कार्बन स्टील, सिंपली इसे भी सेव कर देना है। ये हमारा है पार्ट नंबर ऑफ 9। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 10। इसके लिए सबसे पहले हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे, इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 15 mm, इसका डायमीटर 15 mm रहेगा, फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस, ब्लाइंड कंडीशन, इसकी थिकनेस रहेगी 4 mm, और सिंपली ओके करना है। फिर से फीचर फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच सर्कल क्रिएट करना है एंड इसका डायमीटर 5 mm, ओके, फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस, ब्लाइंड कंडीशन 15 mm और ओके करना है। चैम्फर जीरो पॉइंट फाइव की चैम्फर इस फेस पर और यहाँ पे दो जगह, तीन जगह पे ये हमने चैम्फर अप्लाई कर दिए है। सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट करना है हमें,
जिसकी साइज रहेगी 0.5 mm. फीचर में जाना है एंड एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल. ओके, सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, इसका डायमीटर सिलेक्ट करना है, एक्सिस, फीचर कौन सा है, फीचर एक्सट्रूड कट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ पैटर्न यहाँ पे 58 अप्लाई करेंगे और ओके करना है. अब हमें यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इंसर्ट मेनू में जाना है. इंसर्ट मेनू में जाके यहाँ पे एनोटेशन है, एनोटेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड आपको शो हो जाएंगे, उसे सिलेक्ट करना है. थ्रेड हमें कहाँ पे क्रिएट करने हैं, तो इस एज को सिलेक्ट करना है, इसकी साइज यहाँ पे 0.5 mm बाय 0.8 mm सिलेक्ट करना है. ब्लाइंड कंडीशन, ट्वेल्व एम एम और ओके करना है. तो यहाँ पे हमें थ्रेड शो नहीं हो रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा. सेटिंग में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है और डिटेलिंग में जाना है. सेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड ये अनचेक है, इसे चेक करना है और ओके करना है. तो देखिए इस तरह से ये थ्रेड यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड शो हो रहे हैं. स्टिल इसका अपीयरेंस हम अप्लाई करेंगे ब्रश स्टिल, सेव कर देंगे इस पार्ट को. ये हमारा पार्ट नंबर 10 हो गया, 9 और ये लास्ट है 10. इसके बाद हम असेंबली क्रिएट करेंगे, सिंपली हम इसे एग्जिट कर देते हैं. तो अब हम यहाँ पे असेंबली क्रिएट करेंगे, न्यू में जाएंगे, सिलेक्ट असेंबली एंड ओके. तो सबसे पहले हम हमारा मेन पार्ट है जो होल्डर है, इसे ओपन करेंगे. आई वाले आइकॉन को सिलेक्ट करना है, इसमें ड्रॉप डाउन होने के बाद ओरिजिन पॉइंट, इसको ओरिजिन को सिलेक्ट करना है. एक्टिवेट करने के बाद इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है. आई बटन में जाके ओरिजिन को एग्जिट कर दीजिए. इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे प्लेन वाइट. फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे पार्ट टू प्लेट, इसको ओपन करेंगे, सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल.
मेक रिलेशन कोसेंट्रिक, सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, मेक रिलेशन कोइंसाइड. एक और प्लेट हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है, इसके लिए आपको इंसर्ट कंपोनेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कंट्रोल की होल्ड करके इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा. मेट में जाना है, फिर से इस होल को और इस होल को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक एंड ओके. सिलेक्ट दिस होल एंड दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक. सिलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, ओके. इंसर्ट कंपोनेंट, सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस पिन एंड दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक. सिलेक्ट फ्रंट प्लेन, होल्डर के फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है. एंड पिन के राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक, सॉरी कोइंसिडेंट एंड ओके. इंसर्ट कंपोनेंट पार्ट नंबर 3 and 4. सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस होल एंड सिलेक्ट दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक. And again select this hole and this hole. Okay. Select right plane. And part 4, right plane. Make relation coincide. Okay. Select right plane. And holder front plane. Make relation coincide and okay. तो देखिए यहाँ पे ये हमारे दोनों टूल सेंटर में आ चुके हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है. फिर से insert component. इस बार 5th और 6th,
इन दोनों पार्ट को ओपन करेंगे। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस होल एंड दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। फिर से सिलेक्ट करेंगे दिस होल एंड दिस होल। मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। पार्ट फाइव ओपन करना है यहाँ पे। इसका राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और पार्ट सिक्स ओपन करेंगे। इसका भी राइट प्लेन ओपन करेंगे, मेक रिलेशन कोइंसाइड। ओके, फिर से पार्ट सिक्स या पार्ट फोर किसी का भी राइट प्लेन सिलेक्ट करना है हमें और होल्डर का फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसाइड। ओके, देखिए इस तरह से हमारा हमारे ये टूल यहाँ पे सेट हो चुके हैं। इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल एकदम सेंटर में फिट हो चुके हैं। अब एक स्ट्रेट टूल हमारे बाकी है तो उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। नंबर सेवन ओपन। तो हमें यहाँ पे ऐसे दो टूल चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की को होल्ड करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है, तो ये इसके साथ कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस होल एंड दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। फिर से वही प्रोसेस, इसको सिलेक्ट करना है होल को, इस होल को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। ओके, अब वही प्रोसेस हमें वापस करनी है। पार्ट नंबर सेवन राइट प्लेन, अगेन नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेवन राइट प्लेन, फिर से राइट प्लेन और होल्डर का फ्रंट प्लेन। ओके, देखिए इस तरह से हमारा ये मल्टीपल नर्लिंग टूल यहाँ पे सारे इसके जो भी मल्टीपल टूल है हमने यहाँ पे सेट कर दिए। अब इसकी पिन हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, तो इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, पार्ट नंबर नाइन जो हमने यहाँ पे पिन क्रिएट की थी वो पिन यहाँ पे इंसर्ट करनी है। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस डायमीटर एंड दिस होल, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक। होल्डर के फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है और पार्ट नाइन के राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है, तो देखिए ये सेंटर में सेट हो जाएगी और ओके कर देना है। तो हम ये पिन यहाँ पे इन सब जगह पे फिट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट कंपोनेंट वाले ड्रॉप डाउन में जाना है, यहाँ पे कॉपी विथ मेट एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा आप कॉपी करना चाहते हैं, तो मैं इस पिन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल पिन यहाँ पे सेट करनी है, तो एक एक करके हम यहाँ पे एक कोसेंट्रिक वाला रिलेशन यहाँ पे सेट किया है हमने, और सेकंड क्या था, सेकंड था राइट प्लेन। ओके,
इसको ओके कर देना है। तो फिर से ये पूछ रहा है, तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करना है, होल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट प्लेन और ओके करना है। फिर से होल सिलेक्ट करना है, एंड राइट प्लेन, ओके। तो देखिए अलग अलग ये सब पिन एक्स्ट्रा हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसकी पोजीशन सेट हो जाएगी कॉपी विथ मेट के फीचर टूल से। राइट प्लेन एंड ओके, ये लास्ट वाला है, इसको भी हम सेट कर देते हैं राइट प्लेन। अब इसे एग्जिट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे पिन इसकी प्रॉपर पोजीशन पे सेट हो चुकी है। एक और पार्ट है हमारा, इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ये लॉक है, लॉक स्क्रू, सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस डायमीटर, रिवर्स पोजीशन। मैकेनिकल स्क्रू, सिलेक्ट थ्रेड, जीरो पॉइंट एट इसके पीछे और सिंपली ओके करना है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको प्रॉपर इसकी जगह पे सेट कर देता हूँ। बाकी ये थ्रेड है जो स्क्रू से हम यहाँ पे जो भी हमें मल्टीपल टूल यहाँ पे यूज करना है उसके लिए ये लॉक दिया है, इसको टाइट करके इसको सेट करने के बाद हम हमारा काम जिस पर भी ये नलिंग हमको सेट करना है वो कर सकते हैं। मैं इस फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ और स्क्रू के इस फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए ये सेट हो चुका है और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए ये नलिंग टूल की असेंबली हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ कुछ नया प्रोजेक्ट लेके, तब तक के लिए गुड बाय।